कल जो मुझे वाकया हुआ है, मेरे तो नजदीक किसी मोजज़े से कम नहीं है हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये वो वाकया है और वो चीज़ें हुई जो हमने दिल में सोची नहीं थी। ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग बड़ा खास होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी ही चीज़ें हुई हैं हमारे साथ जो कि हमें लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोजज़ा है। और क्या हुआ है वो हम आपको, आप हमारे साथ रहें, साथ साथ बताते जाएंगे। लेकिन बेसिकली ये है कि हमारे बहुत ही अजीज और बहुत ही चाहने वाले सब्सक्राइबर हमें यहाँ पर डिस्कवर हुए हैं। हमें नहीं पता था कि ये फैमिली हमें फॉलो करती है, लेकिन माशाल्लाह इतने प्यारे लोग हैं ये, इतनी पढ़ी लिखी फैमिली और इतने लविंग, सो लविंग, केयरिंग के उन्होंने, केयरिंग। जब हमने हज के दिनों में हमने व्लॉग नहीं बनाया तो वो इतना परेशान हुए कि उन्होंने मेरे भाई को पाकिस्तान कॉल की। क्योंकि कुछ व्लॉग्स पहले जब आसिम मेरे घर, मेरा भाई आसिम मेरे घर खाने पे आया हुआ था, वो व्लॉग भी मैंने हज पे आने से पहले डाला था, तो आसिम ने अपना फ़ोन नंबर बता दिया था। इन्होंने उस व्लॉग से फ़ोन नंबर लिया और मेरे भाई को कॉल की कि मतलब मेरा और मामा गेलोर का और मुजीब का पूछा कि हम लोगों ने व्लॉग नहीं डाला तो क्या मसला, क्या हुआ है, ये इतने परेशान हो गए थे। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि कहने को तो आप लोग हमारे व्यूअर्स हैं, लेकिन आप लोग हमें इतना ओन करते हैं कि जैसे आप लोग हमारी अपनी फैमिली हैं, तो इसकी जो खुशी होती है। वो बहुत है और हम बाद दफ़ा तो हैरान रह जाते हैं कि ये सारी जो हम इतना चाहते हैं। तो इसलिए अभी जो हमारी कल उनके साथ मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑल द वे फ्रॉम जद्दा, मतलब हम मक्का में हैं और वो जद्दा में से ड्राइव करके स्पेशली सिर्फ हमें मिलने के लिए आए, जिसके लिए हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ा प्यारा कपल था, बहुत ही लायक हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। PhD डॉक्टर हस्बैंड थे और बहुत ही प्यारी सी उनकी वाइफ और साथ उनकी बेटी, बेटी और बेटी भी वो जो बड़ी अच्छी, मतलब है कि इंटेलिजेंट बिल्कुल बच्ची इंटेलिजेंट बच्ची। और जो मतलब इतने सारे कोर्सेज कर रही है और जो कि नॉर्मल यानी इस एज में बच्चे नहीं करते। शी मस्ट बी अराउंड 9-10 ईयर्स। हाँ, अराउंड शुड बी। और अच्छा, पहले बात तो ये कि इतनी दूर से हमारे लिए आए, और दूसरा मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी मुजीब बता देते हैं कि अभी 2 दिन पहले जो हमने गलाफे काबा के ऊपर 2 टांके लगाए थे, जिसको किसवा कहते हैं गलाफे काबा को, तो मुझे सिर्फ मुझे मुजीब ने आकर बताया कि जो मेरे दिल में ये एक हसरत है कि ये गलाफे काबा का कोई टुकड़ा मुझे जो है ना मिल जाता, लेकिन मैंने एम्बेरसमेंट के मारे उन लोगों से मैंने मांगा नहीं है कि वो इनकार कर देंगे कि भाई जाओ जाओ हाँ, हम क्योंकि उनके तुम्हें। पास तो नहीं था ना। हाँ, तो अब क्या हुआ कि कल जब हम लोग को, जब हम लोग इन ये जो हमारे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स हमारे पास आए, तो जब हम उनसे मिले तो उन्होंने जो सबसे पहली चीज निकाल कर मुजीब को दी, हाँ, दैट वाज क्लॉथ, कस्वा क्लॉथ, और फ्रेम इन हुआ हुआ। फ्रेम, और बड़े सलीके से, और बड़े और अच्छे जो तरीके ही से। और मुजीब ने ये जब देखा कि ये जो मुजीब ने दिल में ख्वाहिश की हुई थी वो मिला है, तो मुजीब तो रोना शुरू हो गए वहां पे। और जाहिर है क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि ये एक मोजज़ा है कि जो चीज आपने एक दिन पहले सोची है वो मैंने अल्लाह अल्लाह ताला ताला से ने। ख्वाहिश की थी कि अल्लाह अगर हो सके तो मुझे मिल मुझे जाए, तो ऐसे लगा और मैंने जैसे इन अल्फाज में अल्लाह ताला से कहा था। दूसरे तीसरे दिन आई थिंक मैंने अंजुम को बता दिया कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अंदर से मांग लूँ, और वो और वो शायद हस्बैंड वाइफ, जिसमें हस्बैंड का नाम मंजर और उनकी वाइफ का नाम हफ्सा है, यकीन करें मुझे ऐसे लगा जैसे अल्लाह ताला की तरफ से 2 फरिश्ते हैं जो मुजीब के लिए ये तोहफा जो है वो लेके आए हैं। क्योंकि ये कोई आउट ऑफ द वे हम तो नहीं जानते थे कि इस तरह होगा और इस तरह मुजीब सोचेंगे और इस तरह जो है वो। देखें ना, अल्लाह ताला कैसे जरिया बनाते हैं। मैं क्या सोच रहा था कि मेरी
जो आखिरी दुआ, जो आखिर जो रिजल्ट उसका होना था वो ये था कि मुझे खाना काबा गला वो टुकड़ा मिल जाए। वो मैं चाह रहा था कि उधर ही मैं किसी से मांग लूँ जो वो कढ़ाई वगैरह, बिकॉज ही वॉज वेरी नाइस, वेरी पोलाइट टू मी। I thought कि he was extra polite to me as compared to the others. क्योंकि दूसरों को दो दो टांके लगाने की इजाजत और उसके बाद हटा देते थे, हटा देते थे। और मुजीब को उन्होंने कहा कि और मैं लगाता जा रहा था, he didn't say anything, he said कि लगाते जाएं। हाँ तो और मैं तो मुजीब ने सोचा कि वो एक टुकड़ा खाना काबा का भी कट ले लूं किसी तरह से, जो I wanted to take liberty of his niceness या जो भी इसको कह ले कि शायद ये कोई दिखा देते हैं अभी हम आपको। इसी तरह मैं आपको वो खुशबुओं का बता रही हूँ, खुशबू जो ऊद की मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा था, वो तो खैर वो हफ्सा जो आई मुझे देने के लिए उन्होंने सुन लिया और वो मेरे लिए और मुजीब के लिए बहुत ही अच्छी लेकर आई हैं। और वो किस तरह से भरते हैं बॉटल वो भी मैं आपको आगे क्लिप्स में दिखा दूंगी। वो भी उनके हस्बैंड, सो नाइस ऑफ हिम कि उन्होंने वो रिकॉर्ड किया, क्लिप बना कर लाए थे कि इस तरह से उन्होंने, इतना प्योर फॉर्म में है ये। लेकिन आप यकीन करें कि ये तो उनका बे इंतहा शुक्रिया, डॉक्टर मंजर और हफ्सा, वी लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आर हार्ट्स। और आप लोगों ने, अगर आप ये ना भी लाते तो हमारे लिए सर आंखों पर था कि आप इतनी दूर से ट्रेवल करके हमारे पास यहाँ पर सिर्फ हमारे लिए आए हैं और हमारे लिए जो है वो हमारे बच्चों की तरह हैं। कैसे देखें ये एक YouTube का प्लेटफॉर्म जो है, ये कैसे हमारे लिए कितना मुबारक साबित हो रहा है कि हमारी फैमिली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हमारी इतनी रूट स्ट्रॉन्ग। आप यकीन करें कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो दिल से हमें प्यार करते हैं। हाँ, और हम कमेंट्स पढ़ते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में अब हम दिखा दें अनबॉक्सिंग करके। हाँ बिल्कुल, पहले तो गुलाब काबा दिखा दें, जो वो उसका क्लिप भी है वो भी चले। आपको ये इसका लेमिनेशन हटा देनी चाहिए। लेमिनेशन हटा देनी, अभी हमने पाकिस्तान लेकर जाना ना, अभी थोड़ा सा दिखा दें ताकि खराब ना हो। पाकिस्तान में जब हम इसको लगाएंगे आगे आप और लोगों को दिखा। मैं देखती हूँ उधर से, ये है थोड़ा सीधा करी मुझे इसको, हाँ थोड़ा और, हाँ बहुत अच्छा, ये है किस्वा। अभी हम पाकिस्तान में जब उत्तर लगाएंगे तो उस वक्त पाकिस्तान में हम ये मेरे ख्याल में घर की एंट्रेंस पे ही इंशाल्लाह ताला लगाएंगे। बिल्कुल, या फिर वो जो ड्राइंग रूम में एक जगह खाली है, बड़ी अच्छा सब कॉर्नर है। हाँ बिल्कुल, उधर लगा जा सकता है, उधर लगाया जा सकता है। और अब हम अपने आ जाते हैं वो जो ऊद की फ्रेग्रेंसेस हैं उन पे। और पहले मैं खोलूं, तो सबसे पहले मैं अपनी अनबॉक्स कर लेती हूँ। तो ये है जी अब्दुल समद अल कुरैशी। इसके अंदर एक और पैकिंग और इसके अंदर एक वाह, इसकी पैकिंग तक में जो है ना खुशबू बसी हुई है। और ये और इसको खोल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको हल्का सा लगा लेते हैं। और इसकी इतनी अच्छी खुशबू है, मुझे भी ये बंद करें।
होंगे? बहुत ही माशाल्लाह, पूरे कमरा महक गया है। और एक होता है वो एक स्ट्रॉन्ग सी सर में दर्द करने वाली इत्र की स्मेल, ये वो नहीं है। आप दिखाएं मुझे, ये भी वही है सेम। अब्दुल समद अल कुरैशी और सिंस 1932। वाओ, 1932। यस, ओहो, चलिए अभी हम बोल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी भी इसी तरह से पैकिंग है। और ये जनाब देखिए, बड़ा खूबसूरत है ये। इसको आप खींचें, लूजन लाइक दिस एंड देन यू कैन टेक इट आउट। सो गए, इसको अगर आप टाइट नहीं रखेंगे मेरे ख्याल है इसका उड़ने का खतरा होता होगा। ओहो, दिस इज लाइक, ओह माय गॉड, वेरी नाइस स्मेल्स। आप यकीन करें, आई विश कि मैं ये खुशबुएं आप तक पहुंचा सकती, लेकिन हमारा ये जो कमरा है ये इस वक्त मुअत्तर हो गया है। और ये वो वाली स्मेल है जो इतनी सूंधी सूंधी सी है कि ये सारा दिन आपके पास से या आपके जो कमरे की एनवायरनमेंट है उसमें आती रहती है। तो ये मैं तो ये बड़े ढूंढ रही थी, और इतने प्योर फॉर्म में ये जो अब्दुल समद अल कुरैशी के हैं, ये मतलब बहुत लाइक प्योर फॉर्म और बहुत ही अच्छे ब्रांडेड ये उन्होंने हमें दिए हैं। तो डॉक्टर मंजर एंड हफ्सा, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और जो हमारे बाकी व्यूअर्स हैं उनको भी हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लेकिन अभी कहीं नहीं जाना, क्योंकि वो जो एक इवनिंग के क्लिप्सेस हैं जो हमने उनके साथ गुजारे हैं, जो छोटे छोटे क्लिप्स बड़े मज़े के हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो अभी स्टे विद अस और वॉच द वीडियो टिल एंड, और लाइक ज़रूर करें, लाइक करते जाया करें। लाइक करने से तो हमें पता लगेगा कि हम सारे इकट्ठे हैं, हम स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी एक फैमिली है। और जो अभी तक इस फैमिली में शामिल नहीं हुए हैं, आप क्या सोच रहे हैं, जल्दी से शामिल हो जाएं, ताकि हमारी जो एक फैमिली है वो और बड़ी होती चली जाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुजीब तो बिजी हो गए हैं अपना वो गिलाफे काबा मुजीब की तो वो कहते हैं ना छोटे बच्चे की जो विश कम ट्रू या ड्रीम कम ट्रू, जो वो सोच रहा होता है कि मैंने ये लेना ही लेना है, और वो उसके अम्मी अबू दिलवा देते हैं। तो अल्लाह ताला ने मुजीब की तो ये चीज पूरी की, अल्हम्दुलिल्लाह। अगले ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो जी जनाब, ये देखें कि कैसे टेक्नोलॉजी है इनके पास, जो कि हम ये फ्रेग्रेंसेस ख़रीदते हैं उसको बेसिकली वो एक बड़ी बॉटल में होती है, और फिर उसको वो छोटी बॉटल में जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं आपकी चॉइस के मुताबिक, जो भी आप लेना चाह रहे हों। तो ये देखें कि इस तरह से कंटेनर्स के अंदर ये भरी हुई हैं इन फ्रेग्रेंसेस से, और ये इस तरह से ओपन करते हैं, और जो वो है ये इस तरह से छोटी बॉटल को भर देते हैं। ये तो जी, तकरीबन रात के 11 बजे का टाइम है, और हम यहाँ पे मक्का क्लॉक टावर के ऊपर एक कॉफ़ी शॉप पे थे, जहाँ से बाहर निकल के हमने ये नज़ारा कैप्चर किया है, सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये देखें कि इतनी हाइट से
रोशनियों से चकाचौंध धर्म कैसा नजर आता है एट नाइट। اهلا وسهلا بكم في مكه المكرمه الشرف المطل للحرم الكريمري منورين يا هلا ومسهلا هذا الوقف الملك عبد العزيز الحرمين الشريفين وهذول عندنا ضيوف الرحمن ما شاء الله منورين اهلا وسهلا فيكم يا هلا ومرحبا उर्दू में क्या बताएं? बता दो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। हाँ, आप लोग अभी है हमारे साथ मुतल अल हरम अशरफा क्रीमरी कॉफी शॉप में, जहाँ पर वक्फ मलिक अब्दुल अजीज है, ये रहमतुल्लाह अल हरमैन शरीफैन। बहुत बहुत वेलकम आप लोगों का, माशाल्लाह। यो वेलकम। बहुत अच्छा टाइम इस फैमिली के साथ हमारा गुजरा, हमें लग ही नहीं रहा था कि हम फर्स्ट टाइम मिले हैं। ये देखें, ये मेरे लिए जो लेकर आई थी गिफ्ट वो मुझे दे रही हैं, और ये किस्वा इन्होंने स्पेशली फ्रेम करवाया था मुजीब के लिए, जो कि वो डॉक्टर मंजर जो उनके हस्बैंड हैं वो यहाँ पर मुजीब को बड़े प्यार से दे रहे थे। और मुजीब तो बहुत ओवरवेल्म्ड और बड़े इमोशनल घड़ी थी ये कि जब ये इन्होंने मुजीब को दिया, तो मैंने कहा चले मैं इसको रिकॉर्ड करती हूँ ताकि ये एक मेमोरी रहे हमारे लिए, हमारे पास बहुत ही अच्छी सी। तो ये देखें, और इसके बाद फिर हमने ये एक फैमिली फ़ोटो ली, छोटी सी एक क्लिप बनाया, और बहुत अच्छा टाइम इनके साथ गुजरा, और हम वी रियली हैड अ गुड इवनिंग। अभी तो पीसी है वापस, नो प्रॉब्लम। वो भी तो है ना जो उनका लग्जरी कलेक्शन का एक होटल है, क्या नाम है उसका? लक्सस होटल है वो बस उसका यानी काम चल रहा है, इंशाल्लाह 8-9 महीने तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा कराची में, इमार में। अच्छा जी, इमार टावर्स में। तो बस ये होता है कि मैरियट में रहने के बावजूद मुझे कॉफी अच्छी नहीं, तो सुबह उठ के मैं जाती हूँ हॉल, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर होटल आती हूँ, फिर चेंज करती हूँ, और फिर हर जगह जाकर मैं सिर्फ कॉफी ऑर्डर कर रही होती हूँ, और फिर आके वापस होटल में खाना खाती हूँ। इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। मेरे पुप्पू भी रहते हैं, उनको मुझे एड्रेस नहीं पता है। क्या पहले से इनको बता रहे हैं पुप्पू? तो वो जजेस लेन या कुछ ऐसे दो रहती थी ना, एक तो वहाँ पे रहती थी। तो ये थी हमारी एक शाम इस फैमिली के साथ, टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला, और फिर हमने ली इजाज़त। और ये था हमारा आज का व्लॉग, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।